मेरा खामी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और एक बार और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। बनाते हैं आज और कुछ अलग सा, तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पहाड़ी डिश, मतलब ये बहुत ही हल्का खाना होता है, तो हम बना रहे हैं दिन में। अभी मम्मी को हो गई गैस, क्यूटी की हो रही है मालिश, मैंने क्यूटी को नहला के दिया है मम्मी को, और काम हो गया आज का सारा ख़त्म। तो अब हम बनाने जा रहे हैं दिन का लंच, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ भी। बहुत कम लोग जो पहाड़ी है वही जानते होंगे इसको, और लोग नहीं जानते होंगे, वो सोचेंगे क्या है, बट बना के देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, कभी हल्का खाने का मन करे तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। और आज है मम्मी की तबीयत ख़राब, मम्मी को हो रखी है गैस प्रॉब्लम हो रखी है। कल पालक खा लिया था तो क्यूटी के भी पेट में दर्द हो रहा है, और मम्मी को भी गैस हो रही है, तो कभी कभी पछता नहीं है। आजकल अब गर्मी आ गई है, तो इसीलिए हम बना रहे हैं बहुत हल्का सा खाना, और चलिए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ भी। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यू लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर हमने कटे हुए चावलों को, जो कटे हुए चावल होते हैं वो लेते हैं इसमें, वो अच्छे होते हैं, उससे ना एकदम लसपसा हो जाता है। तो ये कटे हुए चावल हैं, इनको भिगा के रखा हुआ है मम्मी ने एक घंटा पहले से, अच्छे से धो लिया इनको, दो तीन पानी एक बार और धो देंगे, और बस इसको रख देना है पकने के लिए। और इसको डाल दिया मैंने पानी, बस इसे पकाना है, सब्जी नहीं लगानी है, वैसे ही पकाना है पानी में। कुछ भी नहीं डालना, बस मैंने पानी रखा और इनको पकने के लिए इस पर रख दिया। अब इसे पकने देते हैं 10-15 मिनट। तो यहाँ पर चावल पक गए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी है अभी। अब इसमें डालेंगे हम दही को फेंट के पानी बना के, मट्ठा जैसा, या तो फिर रेडीमेड वाला जो मट्ठा होता है वो। तो यहाँ पर मम्मी ने डाल दिया मट्ठा, अब वैसे इसमें तो थोड़ा कभी कभी हल्दी भी डाल देते हैं थोड़ी सी, या तो ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही, इसमें कुछ नहीं डालना, बस ये बन गया। अब इसको और पकाएंगे और गाढ़ा होने तक, हल्की सी नाम के लिए हल्दी डाल देते हैं इसमें, और बस हो गया। बस अभी अपने आप पकेगा। और अभी मैं छील रही हूँ यहाँ पे लहसुन, तो मैं इसके लिए नमक पीसूंगी। तो यहाँ छील रही हूँ मैं अभी लहसुन, मैंने लहसुन का नमक, और इसमें लहसुन है, हरी मिर्च है, नमक है सफ़ेद वाला, और लाल मिर्च है, और है हल्दी थोड़ी सी। तो ये नमक पिस गया है, और ये है हमारे चावल। तो अब इसको खाएंगे इसके साथ, क्योंकि इसमें नमक वमक कुछ नहीं बनाया, तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप भी बनाइएगा। तो ये रेडी है हमारा नमक, और ये है चावल, इसके साथ खाएंगे इसको, इसमें डालेंगे और इसके साथ खाएंगे इसको। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, गर्मियों में लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, तो गर्मियों में आप भी बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये क्यूटी के लिए निकाला है मैंने, इसमें सफ़ेद नमक डाला है, वो नहीं खा पाएगी मिर्च वाला। तो बस चलो हम खाना अपना इंजॉय करते हैं, अपना लंच करते हैं अपना लंच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। याद से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।